दोस्तों अपने जम्मू कश्मीर में तो ट्रेन आ ही रही है। जम्मू कश्मीर में ट्रेन लाने के लिए 90% ट्रैक का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख में भी ट्रेन ले जाने की बातचीत चल रही थी। इसको लेकर के 3 रूट तैयार किया गया था कि लद्दाख के लेह तक कैसे ट्रेन को पहुंचाया जाएगा, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि लद्दाख में जो ट्रेन को पहुंचाया जाएगा उसे हिमाचल प्रदेश से होकर के पहुंचाया जाएगा, और इसके लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लेह तक रेलवे लाइन को बनाया जाएगा। इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि कैसे इंडियन रेलवे हिमालय को पार करके लद्दाख तक पहुंचेगी। आप चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से आप डिटेल में इसको जान सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस, लेह लद्दाख तक ट्रेन को पहुंचाने के लिए 3 रूट को तैयार किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कारगिल लेह तक और एक पठानकोट से लेह तक और एक हिमाचल वाला रूट। इस तरह से 3 रूट तैयार किया गया था, जिसमें से श्रीनगर कारगिल लेह वाला रूट को कैंसिल कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ले जाने वाला जो कॉरिडोर है, जो रेलवे लाइन है, उसको क्यों कैंसिल किया गया। क्या जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच में ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने वाली है और इसका काम काफी स्पीड से चल रहा है। आप इसे मैप के थ्रू समझिए, हम जम्मू कश्मीर तक तो पहुंच चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में भी हम पहुंच चुके हैं। अब हमें हिमालय को पार करके लद्दाख के लेह तक पहुंचना था। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में आता है हिमालय का पर्वत। इस हिमालय पर्वत को पार करके हमें लद्दाख तक पहुंचना है, और इसके लिए बिलासपुर मंडी से लेकर लेह तक रेलवे ट्रैक को बिछाना है, जिसका के काम भी स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी रुका हुआ है। और इसी बीच ये खबर आती है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जो लेह तक रेलवे ट्रैक को बिछाना था उसे कैंसिल कर दिया गया है। कारगिल हमारे लिए काफी स्ट्रेटेजिक एरिया है और उस वाले रूट से भी ट्रेन को ले जाने का प्लानिंग था, जो कि हमारे देश के सिक्योरिटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों के रूट को देखें तो श्रीनगर से लेह का जो रूट था उसका कॉस्ट 55,896 करोड़ रुपया है, जबकि बिलासपुर से लेह तक का जो कॉरिडोर है उसका अप्रोक्स कॉस्ट 1,00,000 करोड़ रुपया है, जबकि पठानकोट से लेह वाला जो कॉरिडोर है, रेलवे कॉरिडोर, उसका कॉस्ट 70,308 करोड़ रुपया है। यानी कि श्रीनगर से लेह तक का जो रेलवे कॉरिडोर है उसका कॉस्ट सबसे कम है। इसके बाद भी इस वाले रूट को कैंसिल कर दिया गया, आखिर ऐसा क्यों? आइए रीजन जानते हैं। कई श्रीनगर से कारगिल होते हुए ले जाने वाला जो रेलवे ट्रैक है वो 480 किलोमीटर लंबा है और पठानकोट से ले 664 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों रूट पर सर्वे किया गया था और इसके लिए 2557 हेक्टेयर की भूमि को भी सेलेक्ट किया गया था, लेकिन आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट को रोका गया क्योंकि यहाँ पर काफी लो ट्रैफिक है। हम रेलवे कहाँ बनाते हैं जहाँ पर आदमी हो, ट्रैफिक हो? अगर ट्रेन पर चढ़ने वाले आदमी ही नहीं होंगे तो वहाँ पर हम ट्रेन को बना के क्या करेंगे? इसके अलावा वो वाला जो रीजन है वो पाकिस्तान के काफी करीब है। बिलासपुर ले लद्दाख वाले रेलवे लाइन को इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके मैप को आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इसके बीच में है और दोनों साइड बॉर्डर पर हमारे जवान मौजूद है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेन चलेगा उसको कोई खतरा नहीं होने वाला है। लेकिन जम्मू कश्मीर और कारगिल ये पाकिस्तान से काफी ज्यादा सटा हुआ है, तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि जो टूरिज्म है वो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में लोगों को डर लगा रहता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में काफी ज्यादा टूरिज्म आते हैं। वो बात अलग है कि अब जम्मू कश्मीर में भी टूरिज्म काफी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश वाला रीजन काफी ज्यादा सिक्योर है और इस वाले रूट से लद्दाख जाना उन दोनों रूट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सिक्योर है। और श्रीनगर कारगिल ले वाला जो रूट है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बगल से होकर के गुजरती है। इसके अलावा ये वाला रूट दिल्ली से ले के लिए काफी लंबा रूट हो जाता। इसके अलावा ये वाला रूट चाइना के बॉर्डर से होकर के भी नहीं गुजरता है, और वर्तमान समय में हमें खतरा पाकिस्तान से नहीं, चीन से है। पाकिस्तान को तो हम यूं संभाल लेंगे, लेकिन चीन हमसे हर चीज में आगे है, तो ऐसे में चीन वाले बॉर्डर के लिए हमें वहाँ पर रोड और रेलवे कॉरिडोर को बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने मिलिट्री को हर चीज को डिलीवर कर पाएं। तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख वाले रीजन में दो रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है। दिल्ली से आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हो और दिल्ली से आप लेह लद्दाख तक भी जा सकते हो। जम्मू कश्मीर जाने के लिए USBR प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लद्दाख तक जाने के लिए बिलासपुर लेह वाले कॉरिडोर पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर वाले रेलवे ट्रैक का तो काम 90% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लद्दाख तक जाने वाला जो रूट है उसका काम अभी बस स्टार्ट हुआ है, और जो श्रीनगर कारगिल वाला रूट है उसको फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में सरकार का, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका मन चेंज हो जाए तो वो भी बन सकता है, लेकिन अभी के लिए इस वाले रूट का काम रोक दिया गया है। एक बार इस रीजन में ट्रेन चलने की देरी है, उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होते रहेगा और देखते ही देखते इस वाले रीजन में भी बाकी राज्यों की तरह रेलवे का जाल बिछ जाएगा। आई थिंक इस वाले रूट को भी बनाना चाहिए। हाँ, कुछ दिन के लिए काम रुकता है वो बात अलग है, लेकिन इसको बनाना चाहिए, इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा और पाकिस्तान के साइड जो हमारे बॉर्डर है वहाँ पर हमारे जो जवान भाई है उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें श्रीनगर कारगिल ले वाले रूट को बनाना
जाना चाहिए या हमारे एक्सपर्ट्स जो कर रहे हैं वो सही है? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में? कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।